हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीवका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं क्लास नाइन्थ केमिस्ट्री, ठीक है ना? क्या पढ़ रहे हैं? क्लास नाइन्थ केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं, जिसमें चैप्टर नंबर वन हमारे आसपास के पदार्थ, इसके तीन पार्ट आ चुके हैं। तीन पार्ट में लगभग आपका पूरा चैप्टर फिनिश हो चुका है। आज आपके लिए छोटा सा टॉपिक बचा है, छोटे मोटे प्रश्न बचे हैं जिनको यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे और आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना? तो नाउ स्टार्ट योर टॉपिक्स। पहला टॉपिक आपका, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपने गलन पढ़ लिया, हिमीकरण पढ़ लिया, वाष्पन पढ़ा, क्वथन पढ़ा, क्वथनांक पढ़ा, हिमांक पढ़ा, है ना? ये सारी टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। एक छोटा सा टॉपिक आता है ऊर्ध्वपातन, ठीक है ना? क्या आता है भैया? ऊर्ध्वपातन आता है। ऊर्ध्वपातन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। इसको क्या कहते हैं? सबलिमेशन। इंग्लिश में क्या कहते हैं? SUBLI, सबलिमेशन, ठीक है ना? सबलिमेशन कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ठीक है ना? तो ऊर्ध्वपातन होता क्या है? ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्व ऊपर, पातन माने उड़ना, है ना? मतलब कहने का मतलब है कि किसी अगर हम ठोस को, किसी ठोस को अगर हम गर्म करते हैं, तो जैसे कि आप जान समझ लीजिएगा कि मान लो हम देसी घी, इन दिनों ठंड पड़ने लगी है, तो देसी घी को अगर हम कढ़ाई पे रखें तो हमारा घी जो होता है वो जमा हुआ होता है। क्या होता है भैया? जमा हुआ होता है ठंड की वजह से। टेम्परेचर डाउन है, सर्दियाँ बढ़ रही हैं, तो घी जमा हुआ। अगर हम इसको गर्म करेंगे, ठीक है ना, क्या करेंगे भैया? गर्म करेंगे बर्नर की सहायता से, तो ये क्या होगा? द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। किस में होगा भैया? द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा, गर्म करने पर पिघल जाएगा। और ज़्यादा गर्म करें तो, यानी गर्म करते रहे तो फिर ये थोड़ा सा भाप बन करके उड़ने लगेगा, ठीक है ना? लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको अगर हम गर्म करना शुरू करें, ठीक है ना, गर्म करें। अब जैसे कि यहाँ पर हमने रख दिया कपूर, क्या रखा भैया? कपूर रख दिया। अब अगर हम कपूर को रख देंगे तो कपूर हमारा एक तो ठोस पदार्थ होता है ना? कैसा होता है? ठोस पदार्थ के रूप में। अब अगर हम इसको गर्म करेंगे तो ये पिघलेगा नहीं, ये पिघलेगा नहीं, डायरेक्ट जो है किसमें? गैस में बदल जाएगा, ठीक है ना? किसमें बदल जाएगा भैया? डायरेक्ट गैस में बदल जाएगा। तो हुआ क्या कि हमने कपूर, एक ठोस पदार्थ था, उसको हमने गर्म किया तो वो द्रव अवस्था में, जैसे कि कंडीशन होती है कि अगर हम ठोस को गर्म करेंगे तो वो द्रव में बदलेगा, और द्रव को अगर हम गर्म करेंगे तो वो गैस में बदलेगी, और गैस को ये होता है गर्म, ठीक है? अगर हम इसको ठंडा करें तो ये द्रव बनेगा, द्रव को ठंडा करें तो ये ठोस बदल जाएगा। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? ठोस से सीधे क्या बन रही है? गैस, और गैस को अगर ठंडा कर दे तो सीधे क्या हो जाएगा? ठोस बन जाएगा, गर्म ठंडा, ठीक है? मतलब क्या हुआ कि बीच में द्रव अवस्था जो है वो नहीं आई। यानी अगर कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको हम अगर गर्म करते हैं तो वो सीधे ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदल जाते, उड़ जाते हैं, ठीक है ना? तो ऐसे पदार्थ जो ठोस से सीधे गैस में बदलते हैं ऊर्ध्वपातक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऊर्ध्वपातक कहलाते हैं। और ऐसे पदार्थ, और यह क्रिया जो होती है, यानी ठोस में बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदलने की क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। आया समझे? तो यह होता है ऊर्ध्वपातन। अब आइए हम इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है ना? इसकी परिभाषा लिखते हैं, डिफाइन करते हैं कैसे होगी। तो हमारा जो प्रश्न बनता है वो प्रश्न क्या कहता है कि ऊर्ध्वपातन के बारे में, वे ठोस पदार्थ जिन्हें गर्म करने पर बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प, यानी कि गैस,
अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है ना। वे ठोस पदार्थ जिन्हें गर्म करने पर बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प यानी गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, ऊर्ध्वपातक कहलाते हैं। ऊर्ध्वपातक यानी कि सब्लिमेटर, सब्लिमेटर कहलाते हैं, ठीक है ना। यानी वे ठोस पदार्थ जिन्हें गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में बदले यानी द्रव में परिवर्तित नहीं होने, बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प यानी गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, ऊर्ध्वपातक कहलाते हैं। और यह प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है, और यह प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है, ठीक है ना। क्या कहलाएगी भैया? ऊर्ध्वपातन कहलाती है। समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। थोड़ा सा और समझ लेते हैं डिटेल से। ये हमने रखा, ठीक है, ये हमने स्टैंड लगा दिया भैया, स्टैंड है, और इस पर हमने बर्नर रखा, बर्नर को जला दिया, और कपूर, कपूर के कुछ टुकड़े डाल देते हैं, ठीक, और इसके ऊपर हम एक फनल लगा देते हैं इस तरह से, तो ये सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है कपूर। तो ये हमारे कहलाती है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन कहलाती है, ठीक है ना। क्या कहलाएगी भैया? ऊर्ध्वपातन कहलाती है, ठीक। अब अभी आपने पढ़ लिया था, अब ये आपका ऊर्ध्वपातन समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगले टॉपिक पर चलते हैं। आपने वाष्पन पढ़ा है, लेकिन वाष्पन की गुप्त ऊष्मा नहीं पढ़ा, ठीक है ना। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा पढ़ लेते हैं, क्या होती है, ठीक। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, तो इसको बहुत छोटा सा डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि एक ग्राम पदार्थ को, एक ग्राम पदार्थ को, ठीक है ना, वन ग्राम पदार्थ को, कितना लिया, पदार्थ की मात्रा कितनी लेती है, एक ग्राम पदार्थ को। वाष्पन के बारे में आप पढ़ चुके हैं, इसलिए यहां से चलेंगे। एक ग्राम पदार्थ को उसके क्वथनांक पर, उसके क्वथनांक पर, ठीक है ना, एक ग्राम पदार्थ को उसके क्वथनांक पर वाष्प में परिवर्तित, क्वथनांक पर वाष्प में परिवर्तित, एक ग्राम पदार्थ को उसके क्वथनांक पर वाष्प में परिवर्तित, ठीक है ना, करने के लिए वाष्प में परिवर्तित, उसके क्वथनांक पर वाष्प में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उस द्रव की वाष्पन की गुप्त ऊष्मा पदार्थ को उसके क्वथनांक पर, एक ग्राम पदार्थ को उसके क्वथनांक पर वाष्प में परिवर्तित करने की, ठीक है ना, किसमें, वाष्प में परिवर्तित करने की लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उस द्रव की वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले टॉपिक पर, बहुत छोटे मोटे टॉपिक बचे हैं।
इस चैप्टर में। तो अगला टॉपिक हमारा है वाष्पन तथा क्वथन में अंतर। वाष्पन तथा क्वथन में अंतर, तो क्या करेंगे भैया, एक कॉलम बना लेते हैं, एक तरफ वाष्पन दूसरी तरफ क्वथन, ठीक है ना, ये हमारा कॉलम हो जाता है। एक तरफ वाष्पन हो गया, दूसरी तरफ क्वथन हो गया, ठीक। नंबर वन, वाष्पन क्या होता है और क्वथन क्या होता है। सबसे पहली बात करते हैं कि वाष्पन जो होता है, अब जैसे वाष्पन के लिए क्या करें, पात्र में हम गर्म करते हैं, पानी भरा हुआ है, तो ये ऊपरी सतह से होता है, पूरे द्रव में नहीं होता है, यानी द्रव आपका हिलेगा भी नहीं और भाप बन करके उड़ना चालू होता है। क्वथन में क्या होता है, उबलना हो तो पूरा द्रव हिलता डुलता है पूरे द्रव, तो ये संपूर्ण द्रव में होती है और ये केवल सतह में होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, यह केवल द्रव की सतह पर होता है, यह केवल द्रव की सतह पर होता है। और इधर बात करें तो यह हो जाएगा, यह संपूर्ण द्रव में होता है, यह संपूर्ण द्रव में होता है, ठीक है ना। वाष्पन जो है द्रव की सतह पर होता है और क्वथन जो है यह संपूर्ण द्रव में होता है, ठीक है ना। नंबर दो की बात करें, दूसरा नंबर आया, पहला पॉइंट तो यह हो गया आपका कंप्लीट हो गया। नंबर दो पर है वाष्पन की क्रिया, यानी यह क्रिया वाष्पन की क्रिया प्रत्येक ताप पर होती है, मतलब कि इसका कोई निश्चित टेम्परेचर नहीं है, ठीक है ना, इसका कोई निश्चित टेम्परेचर नहीं है। बरसात में थोड़ा देर से होगी, सर्दियों में देर से होगी, गर्मियों में जल्दी होने लगेगी, तो ये प्रत्येक ताप पर होती है, इसका कोई निश्चित टेम्परेचर नहीं होता है। और ये क्या लिखेंगे, यह क्रिया केवल निश्चित ताप पर ही होती है, ठीक है ना। यह क्रिया केवल निश्चित ताप पर ही होती है, इसका टेम्परेचर निश्चित है। जल का क्वथनांक अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है तो वो 100 पर ही उबलेगा, उससे कम या ज्यादा पर नहीं उबलेगा, ठीक है ना। नंबर तीन है अवाष्पशील पदार्थ की अशुद्धि होने पर यानी अगर द्रव में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला हुआ है, घुला हुआ है, तो ठीक है ना, यह अवाष्पशील पदार्थ के अशुद्ध होने पर यह क्रिया मंद पड़ जाती है, यानी धीमी हो जाती है, मंद पड़ जाती है, ठीक है ना। और उधर क्या लिखेंगे, ये नंबर वन था, ये टू है, ये नंबर थ्री है, ठीक है ना, इस पर कोई प्रभाव या अवाष्पशील पदार्थ की उपस्थिति होने पर क्वथनांक बढ़ जाता है। क्या होता है भैया, अवाष्पशील अगर पदार्थ उपस्थित है तो क्वथनांक क्या होगा भैया, बढ़ जाएगा, ठीक है ना, बढ़ जाएगा। नंबर चार पर चलते हैं, चौथा नंबर आता है, ठीक है। नंबर फोर पर है क्वथनांक बढ़ जाता है, ये क्या होता है, अब क्रिया अशुद्ध होने पर यह क्रिया मंद पड़ जाती है, ठीक है ना। अब नंबर चार पर यह एक मंद प्रक्रिया है, मतलब धीरे धीरे होती है, अपना मस्ती में डूबते हुए धीरे धीरे घूमते हुए चलती है ना, और यह क्रिया तेजी से होती है, यह क्रिया तेजी से होती है,
ठीक है ना, ये क्रिया तेजी से होती है, वाष्पन एक मंद प्रक्रिया। तो ये थे हमारे वाष्पन और क्वथन में अंतर, ठीक है ना। अब देखते हैं, तो इस तरह से ये आपका चैप्टर यानी कि पहला चैप्टर आपका फिनिश होता है और अब स्टार्ट होगा चैप्टर नंबर 2, ठीक है ना। तो बच्चों बने रहिए हमारे साथ जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में, और आपकी फ्री में क्लास 9th, 10th, 11th, 12th सारी आपकी कंपटीशन तैयारी होती जाएगी। ओके, नमस्कार, जय हिंद।